हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साबुत प्याज की ग्रेवी वाली सब्जी रेसिपी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बिना कोई देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। साबुत प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम छोटी साइज़ के प्याज। ग्रेवी के लिए मैंने लिया है एक बड़ी साइज़ का प्याज, एक बड़ी साइज़ का टमाटर, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च। देखिए ग्रेवी के लिए मैंने सारी सब्जियों को पहले रफली कट कर लिया है। एक बाउल में मैंने पानी लिया है यहाँ पर और इस तरह से प्याज को छील लिया है। अब सबसे पहले आपको इन छोटे प्याज को इस तरह से क्रॉस में कट लगाना है। बहुत ही ध्यान से आपको इसे कट लगाना है, आपको पूरा इसे नहीं काटना है, सिर्फ इसे ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट तक या फिर नीचे के पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक इस तरह से पीछे की साइड से कट करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से क्रॉस में ही कट लगाना है ताकि इसके अंदर ग्रेवी अच्छे से कोट हो सके। ये देखिए मैंने सारे प्याज को क्रॉस में कट कर लिया और इसे पानी में डाल दिया ताकि ये लंबे टाइम तक ख़राब ना हो और इससे हमारे आँखों में आंसू भी ना निकले। और यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून के करीब बिल्कुल फ्रेश दही। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जब भी आप दही वाली या ग्रेवी वाली सब्जियाँ बनाते हैं तो दही के अंदर ही आप सूखा धनिया पाउडर ऐड करते हैं लगभग आधा या एक चम्मच के करीब, इससे कि आपका दही ग्रेवी में जाकर फटेगा नहीं। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही आपको ठंडा कभी भी नहीं लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर आपको दही लेना है, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए आपका दही। यहाँ पर मैंने लिया है चटनी जार, उसके अंदर हम डाल देंगे ये सारी रफली कट की हुई सब्जियाँ। हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। हमारे प्याज भी बिल्कुल रेडी है और हमारा दही भी रेडी है, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गया हमारा दही। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले 2 बड़े चम्मच ऑयल। ये देखिए 2 चम्मच ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएंगे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 5 से 6 साबुत काली मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब जब अच्छे से चटक जाए उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये पेस्ट, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप सब्जी ये आप ठंड में बना रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं 1/2 इंच के करीब, लेकिन अभी हम ये सब्जी गर्मियों में बना रहे हैं इसलिए हम इसके अंदर अदरक ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए वो बाकी आपकी चॉइस है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे तब तक कुक करना है तब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसके अंदर से ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसिक मसाले। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च कम या ज़्यादा अपन टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। हम इसके अंदर अब सूखा धनिया पाउडर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो ऑलरेडी दही के अंदर ऐड कर लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। थोड़ा सा और पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये थोड़ा सा कम लग रहा है। ये देखिए 1/2 से 1 कप के करीब हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। हम इसका लिड लगा देंगे, उसके बाद इसे पकने देंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है मसाले से सेपरेट हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, ऑयल सारा सरफेस पर हमें दिखाई दे रहा है। अब एक बार इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये दही, इसे एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे इस टाइम जब आप दही ऐड करें। ये देखिए हमने इसके अंदर सारा दही डाल दिया, थोड़ा सा पानी और हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि दही जो है हमारे बाउल के अंदर रह गया है। देखिए अब जब तक हमारा दही पक ना जाए तब तक आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है, थोड़ा सा इसके अंदर उबाल आ जाए और उसके बाद हम इसका लिड लगा कर इसे फिर से पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ये देखिए मैंने इसका लिड लगा दिया है। अब 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे
कि ऑयल जो है फिर से हमारे मसाले से सेपरेट होने लग गया है, मतलब हमारा दही भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर से हम इन सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे इस ग्रेवी के अंदर ये प्याज, जिसको कि हमने पानी के अंदर डालकर रखा हुआ था। जब भी आप प्याज काटते हैं तब प्याज को काटते से पानी के अंदर डालते जाएं, इससे कि प्याज थोड़े लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहते हैं और आपकी आँखें भी नहीं जलती हैं। देखिए सारे प्याज को इस तरह से ग्रेवी में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक गिलास पानी। अगर आपको थिक ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो एक गिलास पानी इनफ है। अगर आपको थोड़ी सी लिक्विड वाली ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड कर दें और फिर इसे ढक्कन लगाकर अच्छे से कुक कर लें 5 से 10 मिनट तक, या फिर ये जब तक सॉफ्ट ना हो जाए तब तक। ये देखिए मैंने इसकी लिड लगा दी है। अब इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक या फिर इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी थिक हो गई है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं मसाले का, किस तरह से ऑयल जो सरफेस पर आ गया है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फटाफट से इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी इसका टेक्सचर देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। अब बहुत जल्द मिलूंगी आपसे इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।